मैं हूं नफीसा खान, स्वागत करती हूं आपका जीवन कोश में। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली फिटनेस के मामले में बड़े बड़े एक्टर्स को टक्कर देते हैं। पिछले कुछ सालों से कोहली लगातार अपनी फिटनेस पर काम कर रहे हैं। विराट के फिटनेस से भारत ही नहीं, दुनिया भर के कई क्रिकेटर्स काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। हालांकि विराट कोहली के लिए ये सब करना इतना आसान नहीं था। उन्होंने अपने फिटनेस को बनाने के लिए अपनी कई मन पसंदीदा चीज़ों की कुर्बानी दी है और उसके बाद उन्होंने जो फिटनेस पाई है उसकी चर्चा दुनिया भर में होती है। सोशल मीडिया पर विराट के फिटनेस की वीडियो जमकर वायरल होते हैं। विराट अपनी डाइट में क्या लेते हैं और खुद में इतना जोश कहाँ से लाते हैं, इसके बारे में उनके फैंस के बीच काफ़ी क्यूरियोसिटी बनी रहती है। कभी पंजाबी खाने को बटर चिकन और मटन रोल को विराट कोहली बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे। कोहली ने 2012 में अपना पसंदीदा बटर चिकन खाना छोड़ दिया। इसके बाद धीरे धीरे करके नॉनवेज से उन्होंने दूरी बना ली। नॉनवेज खाने के शौकीन विराट ने अचानक शाकाहारी बनने का फैसला करके सबको हैरान कर दिया और उनका मानना है कि वो खुद को पहले से ज़्यादा मजबूत फील करते हैं, उनकी पाचन शक्ति में इजाफा हुआ है। कोहली का मानना है कि इसकी वजह से उनके खेल में भी सुधार हुआ है। इतना ही नहीं, पहले के मुकाबले उनकी आक्रामकता भी मैदान में कम हुई है। अब बात करते हैं सीधे सीधे विराट कोहली के डाइट प्लान की। रिपोर्ट्स की माने तो पहले कभी ब्रेकफास्ट में वो आमलेट, पालक और चीज़ के साथ साथ ग्रिल्ड मीट लेते थे। अब मीट और अंडे जैसी चीज़ें उनके नाश्ते से दूर हो गई हैं। इनकी जगह वो प्रोटीन शेक, सोया, फल, ड्राई फ्रूट्स और 3-4 कप ग्रीन टी लेमन के साथ लेना पसंद करते हैं। बात करेंगे अब उनके दोपहर के खाने की। विराट को लंच में आलू, हरी सब्जियां, पालक काफ़ी पसंद है। पहले वो रेड मीट भी लेते थे लेकिन अब वो डाइट प्लान से बाहर है। विराट कोहली इस समय पूरी तरह ग्लूटेन फ्री डाइट पर हैं और तले भुने खाने से दूर रहने की कोशिश करते हैं। बात करें अगर डिनर की तो विराट रात के खाने में पहले सी फूड पसंद किया करते थे लेकिन फिलहाल वो हरी सब्जियों, सोया डाइट पर हैं। विराट अपने नट सेशन के दौरान ग्लूटेन फ्री ब्रेड और नट बटर भी लेकर चलते हैं। बात करें अगर उनके चीट डे की तो बीते कई सालों से उन्होंने कोई भी चीट डे नहीं मनाया है। इन सब के अलावा विराट कोहली पानी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। पानी वो ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और वो जो पानी पीते हैं वो ख़ास तौर से फ्रांस से मंगाया जाता है। बात करें अगर विराट कोहली के वर्कआउट की तो विराट सुबह 5 बजे उठते हैं और उसके बाद उनका दिन शुरू होता है। इसके अलावा विराट हफ्ते में 5 दिन वर्कआउट करते हैं और एक दिन में कुल मिलाकर 4 घंटे वर्कआउट करते हैं। अपने वर्कआउट को लेकर विराट का कहना है कि हर इंसान का मेटाबॉलिज्म अलग अलग होता है और उस हिसाब से उसकी डाइट भी बदलती है। यह आपके मेटाबॉलिज्म पर निर्भर करता है कि आप जिम में कितना वक्त बिता सकते हैं। वैसे वर्कआउट सेशन में विराट कोहली कई तरह की एक्सरसाइज करते हैं लेकिन लेग्स की एक्सरसाइज को वो सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। इसके अलावा विराट कोहली को रनिंग का भी काफ़ी शौक है। उनका कहना है कि रनिंग ना ही सिर्फ आपके तन को बल्कि आपके मन और मस्तिष्क के लिए भी काफ़ी ज़रूरी है। तो ये था विराट कोहली का डाइट प्लान और उनका फिटनेस रूटीन। उम्मीद करते हैं उनके बारे में ये ख़ास जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी जानकारी के साथ ही दीजिए हमें इजाज़त। बहुत जल्द मिलेंगे किसी और सेलिब्रिटी का डाइट प्लान और वर्कआउट रूटीन लेकर।